आज ही नमस्ते सबको राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में आज कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम आज पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13 है, जिसके अंतर्गत हम आज 13.8 प्रश्नावली है उसका 7वां प्रश्न और 13.8 का ही 10वां प्रश्न, इन दो प्रश्नों का अध्ययन करें। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले 13.8 का प्रश्न नंबर 7 है, वो इस प्रकार है, उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अपने को क्या है इसके अंदर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और ज्ञात क्या करना है अपने को, गोले का आयतन बराबर ज्ञात करना। अब गोले का आयतन ज्ञात करना तो इसके लिए हमारे को क्या है, त्रिज्या की आवश्यकता होती है। अब यहाँ क्या है, हमारे पास में त्रिज्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है इससे हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि त्रिज्या इसमें छुपी हुई है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और जब त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, गोले का आयतन बराबर ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे को त्रिज्या की आवश्यकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आप सबसे पहले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² सूत्र का ध्यान रखना है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 4πr². अब सूत्र में हम क्या करेंगे, मान रख देंगे, सूत्र में हम मान रखेंगे तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ कितना 154 बराबर की जगह बराबर वापस 4πr², अब इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है तो अपने को ध्यान में ही गुणा का निशान लगाना है, तो 4 की जगह 4 * पाई की जगह 22/7 और r² ऐसे कैसे, क्योंकि त्रिज्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है? अब उसके बाद क्या है, अपने को r² बराबर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको वज्र गुणा कर देंगे। अब वज्र गुणा करेंगे तो 154 को नीचे क्या 7 है इससे गुणा करेंगे और बटे हुए 4 × 22 है इसको नीचे लिख देंगे। ठीक है? तो r² बराबर क्या हो जाएगा, r² बराबर 154 × 7 बटे हुए 4 × 22। अब ये कटती है 22 × 22 और 22 × 7 = 154। अब कटने के बाद अपने पास क्या बच रही, ऊपर कटने के बाद हमारे पास में ऊपर 7 × 7 यानी 7 × 7 = 49 और बटे हुए 4 यानी r² बराबर 49 बटे हुए 4 बचा। अब r बराबर अपने को ज्ञात करना, इसलिए अपन क्या करेंगे 49 बटे हुए 4 का वर्गमूल निकाल देंगे, तो r बराबर क्या हो गया √49/4। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 7/2 यानी त्रिज्या बराबर क्या हो गई 7/2 या 2 का भाग अगर अपन 7 में लेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर अपने पास में ही आ गई। ठीक है? या तो अपन त्रिज्या की जगह 7/2 लिख देंगे और या फिर अपन 3.5 लिख देंगे। ठीक है? तो त्रिज्या यानी r बराबर होगी आपके 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है? यानी 2 का भाग अपन ने 7 में लगाया इसलिए ये 3.5 सेंटीमीटर। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, गोले का आयतन बराबर ज्ञात करना, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³। सूत्र ध्यान में होना जरूरी, देखो सूत्र जब तक याद नहीं है तब तक अपन कोई सा भी प्रश्न अपने लिए कठिन ही है, इसीलिए अपने को सूत्रों को बराबर ध्यान में रखना। ठीक है? अब गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³, तो हम क्या करेंगे वापस यहाँ त्रिज्या अपने पास में आई गई तो हम क्या करेंगे त्रिज्या की जगह त्रिज्या रखेंगे। अब 4/3 की जगह तो 4/3 लिखनी है और पाई की जगह 22/7 और r की जगह त्रिज्या जो अपने को मालूम अभी अपने ज्ञात करी है। ठीक है ना? और इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसलिए अपने को यहाँ भी क्या ध्यान रखना है गुणा का निशान लगाना। ठीक है? अब 4/3 की जगह 4/3 * की जगह * आ जाएगा और पाई की जगह 22/7 और r की जगह अब r बराबर अपन क्या लिखेंगे 7/2। ठीक है ना? 7/2 लिखने से क्या है काटने में थोड़ी अपने को आसानी रहती है, इसलिए r की जगह अपने क्या लिखा * लगाते हुए लिख रहा है 7/2 × 7/2 × 7/2 क्यों लिखा 3 बार, क्योंकि घात 3 है, इसलिए त्रिज्या घात 3, त्रिज्या के ऊपर घात 3 लगी हुई है, इसलिए अपन क्या करेंगे इसको 7/2 को 3 बार लिखेंगे। सूत्र में हमने क्या कर दिया मान रख दिया, यानी 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7/2। ठीक है? अब ये जिस तरह से काटते वैसे काट दीजिए, जैसे सबसे पहले अपन ने 2 × 1 = 2, 2 से काटा 4 को,
दो दूनी चार, ठीक है वापस दो एकम दो, दो से वापस ये दो से दो, ये कट गया दो एकम दो, फिर उसके बाद वापस दो एकम दो, ग्यारह दूनी बाईस, उसके बाद वापस सात एकम और ये सात एकम। अब कटने के बाद अपने पास ऊपर क्या बची हुई है और नीचे क्या बची हुई, ऊपर बची हुई है जैसे ग्यारह इंटू सात इंटू सात, तो पहले ग्यारह को सात से गुणा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको वापस सात से गुणा करेंगे, तो ग्यारह सात सतहत्तर और सतहत्तर को सात से गुणा किया तो कितना आ गया पांच सौ उनचालीस आ गया। फिर बटे हुए अपने पास में क्या बचा हुआ, केवल तीन बचा हुआ है, तो ये बटे हुए तीन, अब तीन का भाग हम क्या करेंगे पांच सौ उनचालीस में देंगे, तो हमारे पास कितना आ गया एक सौ उन्यासी दशमलव छह छह सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या हो गया आयतन बराबर हो गया, ठीक है ना। तो हमारे को क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ था, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ तो वहां से हमने क्या किया त्रिज्या ज्ञात कर ली, त्रिज्या बराबर ही आ गई, और त्रिज्या आने के बाद में हमने क्या किया गोले का आयतन बराबर ज्ञात किया, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पर क्या कि त्रिज्या छुपी हुई है, इसलिए पहले त्रिज्या को ज्ञात करना और उसके बाद अपने को गोले का आयतन बराबर ज्ञात करना, ठीक है। अब इसी तरह से अपन 13.8 पे दसवां प्रश्न है, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करते हैं। अब प्रश्न क्या आ रहा है, देखो दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का, देखो व्यास दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। अब देखो आपको यहाँ पर जो कैप्सूल है वो कैप्सूल का व्यास दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर, दूसरा आकार कैसा है गोले के रूप में, तीसरा अपने को इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई, अब देखो यहाँ पर अपने को हिंट मिला हुआ है मिलीमीटर क्यूब आ रहा है, अब मिलीमीटर क्यूब आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया क्यूब किसकी कही यानी आयतन की है, तो अपने को गोले के रूप में है तो गोले का आयतन बराबर ही अपने को ज्ञात करना, ठीक है ना। यहाँ से अपने को हिंट मिल रहा है कि अपने को ज्ञात करना है क्या है, तो गोले के रूप में कैप्सूल तो गोले का आयतन बराबर अपने को ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे गोले का आयतन बराबर सूत्र लिखेंगे, सबसे पहले गोले का आयतन बराबर चार बटे हुए तीन पाई आर क्यूब, अब चार बटे हुए तीन की जगह तो चार बटे हुए तीन और इंटू पाई की जगह बाईस बटे हुए सात और इंटू आर की जगह त्रिज्या, अब यहाँ व्यास अपने पास है तो व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है, तो 3.5 बटे हुए दो पर या तो आधी करके लिखो या फिर बटे हुए दो लिखो, तो हमने क्या किया जैसे काटने में आसानी रहती इसलिए अपन ने आर क्यूब की जगह हमने 3.5 बटे हुए दो 3.5 बटे हुए दो 3.5 बटे हुए दो लिखो, ठीक है। अब आप दशमलव को हटाओगे तो दशमलव के बाद में एक अंक आ रहा है इसलिए बटे हुए में नीचे क्या हो जाएगा एक जीरो लग जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा बटे हुए में बीस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी दशमलव हटाया अपन ने तो दशमलव के बाद में एक अंक है इसलिए नीचे एक जीरो लग गया तो नीचे भी क्या हो गया आपके यहाँ भी बीस हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ से दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद में एक अंक है इसलिए नीचे क्या हो जाएगा एक जीरो लग जाएगा तो नीचे क्या हो गया आपके बीस हो गया। अब ये जिस तरह से कटनी वैसे काट दीजिए, अब काटने में देखो आप सबसे पहले जैसे पांच से काटा पांच से पैंतीस काटेंगे पांचो सत्तर पैंतीस और पांच से बीस को काटा पांचो बीस, इसी तरह से पांच से काटा पांचो सत्तर पैंतीस और ये पांचो बीस, फिर इसी तरह से पांच से काटा पांचो सत्तर पैंतीस और ये पांचो बीस, पांच के पाड़े से ऊपर और नीचे अपन ने संख्या को काट दिया। अब काटने के बाद वापस देखो सात एकम सात और ये सात एकम सात, ये सात से ये सात कट गया, इसी तरह से ये चार एकम चार और ये चार एकम चार, चार से चार ये कट गया, फिर उसके बाद में इस चार को काटा दो के पाड़े से दो दूनी चार, दो से काटा अपन ने बाईस को ग्यारह दूनी बाईस, इस तरह से काटने के बाद अब हमारे पास में ऊपर क्या बची हुई ग्यारह इंटू सात बची, ठीक है। अब 11 को अपन पहले 7 से गुणा करेंगे, जो आंसर आता उसको वापस 7 से गुणा करेंगे, तो 11 7 77 और 77 को 7 से गुणा किया तो 539 आ गए, और बटे हुए में अपने पास में 3 इंटू चार इंटू दो बची हुई है तो 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 तो 539 बटे हुए 24 होते। अब 24 का भाग हम क्या करेंगे 539 में देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 22.458 मिलीमीटर क्यूब, क्या आ गया आंसर 22.458 मिलीमीटर क्यूब। अपने को इकाई का भी ध्यान रखना, ठीक है ना, आयतन है इसलिए आयतन की इकाई क्या होगी, या तो घात के रूप में क्यूब लगा दीजिए तीन लगा देना और या फिर घन लगा दीजिए, और भुजा अपने को मिलीमीटर में थी इसलिए मिलीमीटर क्यूब लिख दीजिए या घन मिलीमीटर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो इकाई का भी अपने को ध्यान में रखना, दूसरा अपने को कैप्सूल का व्यास था
तो व्यास की या तो अपन त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं, आधी करते हैं, तो या तो बटे में दो लिख दीजिए और या फिर इसको आधी करके लिख दीजिए। तो हमने क्या कभी यहाँ पर बटे में दो लिख दिया, तो बटे में दो लिखते ही क्या हो गया, वो आधी हो गई, ठीक है। दशमलव को हटा दिया और उसके बाद में हमने क्या किया, जिस तरह से कटी वैसे इसको काट दिया। काटने के बाद हमारे पास ये बचा, इसका भाग हमने इसमें लगा दिया, यानी 24 का भाग 539 में लगा दिया, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 22.458 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या ये दो प्रश्न देखे। अब आपको वापस क्या करना है, एसडब्ल्यू की कॉपी में इन दोनों प्रश्नों का दोहरान करना, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों प्रश्नों का दोहरान एचडब्ल्यू की कॉपी में करेंगे, सूत्र बराबर याद करेंगे और उसके बाद में जो भी आपको एचडब्ल्यू दिया गया है वो एचडब्ल्यू हम एचडब्ल्यू की कॉपी में हल करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।